We have with us Vice Chairman of New Delhi Municipal Council, Mr. Karan Singh Tawar, to talk on what the decisions have been from the NDMC. So what are the key decisions taken by the NDMC today, sir? आज काउंसिल के मीटिंग हुई थी और काउंसिल में प्रमुखता से दो मुद्दे थे. एक मुद्दा था होटल ताज मानसिंह को जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन मिली थी एनडीएमसी को कि इस पर दोबारा से इस सारे मामले को रिव्यू किया जाए कि ताज मानसिंह को जो है एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि ये मामला जो है काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था. आज उसके लिए मीटिंग में ये एजेंडे में यह आइटम आया तो सर्वसम्मति से यूनैनिमसली इट वाज डिसाइडेड कि कोई गुंजाइश नहीं है इनको कोई अपॉर्चुनिटी किसी चीज की देने की या रिलीफ देने की. इसका जो है ऑक्शन ही किया जाए, यही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट 33 साल का जब एग्रीमेंट हुआ था उसमें प्रावधान कोई भी ऐसा नहीं था कि आफ्टर दैट जो है जब एक्सटेंशन लीज खत्म हो जाएगी तो इनको कोई एक्सटेंशन दी जाएगी. इसलिए जो है यूनैनिमसली ऑक्शन करने का आज फैसला किया गया. दूसरा मुद्दा था ली मैरियट होटल का. ली मैरियट होटल ने काफी टाइम से जो एनडीएमसी की लाइसेंस फी है वो जमा नहीं की. बार बार रिमाइंडर दिए गए, बार बार उनको सचेत किया गया, लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की. जनवरी 2017 तक 523 करोड़ रुपया उनके खिलाफ ड्यू था. जब उन्होंने जमा नहीं किया तो अब मजबूरन जो है आज की काउंसिल की बैठक में उनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया है. और साथ साथ ये भी फैसला किया गया है कि होटल को टेक ओवर करने के लिए, उसके पजेशन को लेने के लिए साइमल्टेनियसली पीपी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि पजेशन जो है ले लिया जाए. और होटल ने, क्योंकि इनकी पास्ट परफॉर्मेंस भी ठीक नहीं है ली मैरिडियन की, इन्होंने जो है पिछली बार कोई फ्रॉड किया था, जो कि मैटर जो है हाई कोर्ट में है. हमारे दीदेन चेयरमैन जनरल श्रीवास्तव और होटल मैनेजमेंट ने मिलके जहां 600 करोड़ रुपया ड्यूज थे ली मैरिडियन को देने थे, देनदारी थी एनडीएमसी को, मात्र सिर्फ 150 करोड़ रुपए में उसका फैसला कर लिया और कोर्ट में वो फैसला दे दिया गया. तो एक फ्रॉड का मामला भी चल रहा है. इसलिए इसकी सारी चीजों को देखते हुए इसको कोई इस पर रहम करम की बात नहीं थी. इसको जो है तुरंत उस पर एक्शन लेने का प्रस्ताव पास किया गया और इसको जो है आज इसका लाइसेंस कैंसिल किया है और अब खाली करने की कार्रवाई जो है शुरू हो जाएगी. फाइंड अस ऑन फेसबुक एट facebook.com/etnow एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन. यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन ट्विटर @etnowlive. To stay updated with all our programming, hit the subscribe button on our YouTube channel by logging on to youtube.com/user/etnow.